नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्य नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं नियतश्चेदं येनेदं योऽयं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्रपराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटिकं वार्त्रिककारं अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वान् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्त्रीणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदु। ओंकारस्य अथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ
तस्मान मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान राम और जगत जननी सीता, यही जगत के माता पिता है। माता पिता के अंश होने से चराचर जगत भी माता पिता का ही स्वरूप है। माता पिता से भिन्न पुत्र नहीं हो सकता। माता पिता का रूप ही पुत्र होता है। यही संसार में यही नियम है। जिसके माता पिता ब्राह्मण हैं, उनके अंश से जो संतान पैदा भई है, पुत्र पैदा भए हैं, वो अपने माता पिता ब्राह्मण ब्राह्मणी के अंश हैं, इसलिए वो तो जन्म से ही ब्राह्मण ही रहेंगे। जिनके माता पिता क्षत्रिय हैं, वो माता पिता क्षत्रिय के अंश से उन्हीं का टुकड़ा है, उन्हीं का अंश टुकड़ा होने से वो क्षत्रिय से भिन्न कैसे हो सकते हैं? तत्व तो वही है। पत्थर का टुकड़ा भी पत्थर ही होगा, सोने का टुकड़ा सोना ही होगा, पर खांड के अनेक रानी राजा हाथी घोड़े आप संतान बनाओ खांड के, तो क्या खांड से जुदा हो सकेंगे? नहीं हो सकेंगे। खांड की सारी सृष्टि खांड रूप ही होगी, जुदा हो ही नहीं सकती। जिसके माता पिता सिंह हैं, व्याघ्र हैं, तो उनके पुत्र तो जन्म से ही सिंह व्याघ्र होंगे, कर्म से नहीं। जिनके माता पिता गाय भैंस बकरी हैं, उनके पुत्र भी गाय भैंस बकरी ही होंगे। इस नियम का उल्लंघन न मनुष्यों में, न पशुओं में, न पक्षियों में, न वृक्षों में कहीं नहीं हो सकता। ये एक पक्का नियम है। कारण से भिन्न कार्य हो ही नहीं सकता। वेद कहता है आत्मा वही जायते पुत्रा। आत्मा अपने आप ही स्वयं पुत्र के रूप में प्रकट होता है। पुत्र दूसरा कोई नहीं है, पिता ही है। ये जितने जीव हैं, वेद कहता है अमृतस्य पुत्रा, ये अमृत के पुत्र हैं। नम्रतम इति अमृतम, जो नहीं मरता वो परब्रह्म परमात्मा अमृत है। उसी के अंश, उसी के ये पुत्र हैं सब जीव, इसलिए ये भी अमृत हैं।
जिनका भी जन्म मरण नहीं होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। मृत्यु की निवृत्ति अमृतत्व की प्राप्ति करना नहीं है, जीव का तो सहज स्वभाव है। क्यों? भगवान राम के, भगवान विष्णु के, कृष्ण के, ब्रह्म के ये अंश हैं। भी ये तो नियम है, जो जिसका अंश होता है उसी का रूप होता है, जुदा हो ही नहीं सकता। और जितने भी हमारे तुम्हारे और ब्रह्मा विष्णु महेश आदिकों के शरीर हैं, वो सीता के अंश हैं, इसलिए वो सीता से जुदा नहीं हो सकते। सब शरीरों में राम का अंश जीव है, उसका जन्म मरण नहीं होता, सहज ही अविनाशी है और सुख राशि है, और माया मल से मलिन नहीं होता किंतु निर्मल ही रहता है, और सहज ही चेतन है माने ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान देना नहीं है, शरीर का जन्म होता है, शरीर की जननी सीता है, चराचर जगत शरीरों का समूह है, इसलिए संसार की जननी सीता है। और सब शरीरों में विराजमान तो राम स्वयं है। इसलिए जैसे राम है तैसे ही जीव है, जैसे सीता है तैसे ही ये सब शरीर है। शरीर तो सीता जी एक मिनट में बनाती हैं। क्या ईश्वर राम के शरीर, क्या जीवों के शरीर? राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश कच्छ मच्छ बामन बराह नृसिंह आदि ये ईश्वर के शरीर हैं, ईश्वर के अवतार हैं, जो निर्गुण निराकार रूप से नीचे उतार करके दृष्टि पथ में लाती है। निर्गुण निराकार तो आंखों का विषय हो नहीं सकता, आकार ही आंखों से देखा जा सकता है, उसको उस निर्गुण निराकार ऊपर से उतार करके सबके दर्शन के योग्य बनाया। सब लोग दर्शन करो उस राम का, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का, ये सीता जी का ही काम है। और सारा विश्व विराट चराचर जगत अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश उमा रमा ब्रह्माणी सूर्य चंद्र आदि सभी देवता सभी दैत्य ये सब राम के शरीर में है। राम का शरीर बनाया सीता जी ने, सारा संसार सब देवता सभी मनुष्य सभी पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र सर्प बिच्छू सब राम के शरीर में जुड़े हुए हैं, अलग है ही नहीं। ये सीता जी का खेल है, ये दृश्य पथ में आता है, जो भी दिखाई पड़ता है सीता जी का स्वरूप है। जो पुत्र अपने माता पिता को जान लेता है उस सर्व दुखों से तुरंत मुक्त होता है। जीव अपने माता पिता सीता राम को भूल गया है, उसी अपने माता पिता सीता राम को बताने के लिए रामायण का अवतार हुआ है कि अपने माता पिता को पहचानो, तुमको फिर दुख कहाँ है। तुम्हारे माता पिता के यहाँ दुख नाम की तो चीज नहीं, मृत्यु नाम की चीज नहीं है। न जानने से तुम दुखी हो, उन्हीं को बताने के लिए ये रामायण है।
राम का ये आयन है, घर है। रामायण क्या है? राम का आयन घर है। रामायण के भीतर घर में प्रवेश करो तो सीता राम का दर्शन करो, कल्याण हो जाए। और रामायण रूपी भवन में प्रवेश करके भी सीता राम को न देख पाए, घर ही देख कर रह गए, कनक भवन ही देख के रह गए। रामायण बहुत सुंदर है, कनक भवन से अति सुंदर है, परंतु उस भवन से क्या काम चलेगा? भवन में विराजमान सीता राम का दर्शन होना चाहिए, जिससे कल्याण हो। उसी सीता राम का दर्शन कराने के लिए हनुमान जी ने, परम वैराग्यवान हनुमान जी, सीता जी भक्ति का स्वरूप है, राम तो ज्ञान का ही स्वरूप है। जहां भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों इकट्ठा है, वहां दुख का क्या काम है? सारे वेद शास्त्र पुराण रामायण भक्ति से ज्ञान, सीता भक्ति है, राम ज्ञान है। लक्ष्मण कहो, हनुमान कहो, और अनेक भक्त हैं, भरत कहो, ये परम वैराग्यवान है। एक राम को छोड़कर दूसरा किसी को देखते ही नहीं, यही वैराग्य है। जननी जनक बंध सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बटि डोरी, समदर्शी कछु इच्छा नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। सज्जनों, लक्ष्मण, भरत, हनुमान ऐसे ही भक्त हैं। राम को छोड़कर दूसरा इनके हृदय में कोई है ही नहीं। राम को भी ये इतने प्यारे हैं जैसे लोभी को धन और कामी को स्त्री। कामी स्त्री के पीछे माता पिता भाई बहनों को छोड़ देता है, पत्नी के सामने स्त्री के सामने उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, रात दिन अपनी स्त्री में ही मन लगाता है। लोभी सर्व का परित्याग करके एक धन में ही रात दिन मन लगाता है और उसको धन के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। कामांधो नहीं उपश्यति, काम का अंधा और किसी को नहीं देखता, कामिनी को ही देखता है। जिसको राम की कामना है वो राम को ही देखता है, दूसरे को नहीं देखता। दोनों ही काम है, परंतु राम में जो काम है वो भक्ति बन जाता है। काम नाम इच्छा का है, प्रेम का है, वो भक्ति बन गया। पत्नी में जो काम है वो विनाशक है, क्योंकि राम अविनाशी है और संसार विनाशी है। तो राम को वो इतना प्यारा है, ऐसा भक्त। परंतु सज्जनों, भक्ति भी वही है जैसे प्यासे को पानी के सिवाय दूसरे में प्रेम भक्ति होती ही नहीं। प्यासे को तो एक पानी ही चाहिए, त्रिलोकी का राज्य नहीं चाहिए,
कोई उससे कहे त्रिलोकी का राज्य लो और ये पानी की बात छोड़ दो, तो प्यासे की तरफ से जवाब आता है। उस त्रिलोकी के राज्य का जो दाता है उससे वो कहता है कि भाई तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो, पानी के बिना तो मेरे प्राण चले जाएंगे। पर क्या त्रिलोकी के राज्य बिना प्राण चले जाएंगे? मिले चाहे मत मिले, प्राण तो न जाएंगे। पानी के बिना तो प्राण ही चले जाएंगे, तो कीमती कौन? पानी की त्रिलोकी का राज। फिर पानी बिना जब प्राण ही चले गए तो त्रिलोकी का राज हो गएगा कौन? आप मुए जग मुआ, आप मर गया तो उसके लिए जगत कहां? अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज। तुलसी जो निज मरण है तो आवे के ही काज। तो सज्जनों, प्यासा पानी के सिवाय दूसरी वस्तु स्वीकार नहीं करता। जिसको सीताराम के दर्शन की ही प्यास है, दूसरी प्यास है ही नहीं, वो त्रिलोकी का राज्य लेकर क्या करेगा? त्रिलोकी के राज्य से वैराग्य है, परम वैराग्यवान है। भरत माता पिता को लेकर, सेना को लेकर और सब सबको लेकर के और चित्रकूट गए। खबर मिली भरत आ रहे हैं पर सेना के सहित आ रहे हैं। लक्ष्मण धनुष बाण उठा करके और पैतरा बदलने लगे, कहने लगे राम को, भरत को राज्य पाने से राज्य मद हो गया है, इसलिए हम दोनों भाइयों को अकेला जान करके और सेना लेकर के मार कर निर्भय अकंटक राज्य करना चाहते हैं। परंतु हे राम, ये आपका दास अकेला ही समर्थ है सेना सहित राम को रणभूमि में खिला खिला के मारूंगा। आज राम सेवक जस लेऊं, भरत ही समर सिखामन देऊं। जो शत संकर करें सहाई, तदपि हतों रण राम दुहाई। राम की शपथ खा करके कहता हूं, सौ सौ शंकर, एक शंकर की क्या बात, यदि भरत की तरफ रक्षा करने आ जाए, क्योंकि वो विनाशक देवता है, परंतु आज नहीं बचा सकेंगे। ये लक्ष्मण कह रहे हैं। आखिर लक्ष्मण जीव है, भरत ईश्वर है, राम तो ब्रह्म है। राम ने लक्ष्मण को बुलाया, जीव ईश्वर को जानता नहीं, ब्रह्म राम को पहचानता नहीं है, अपने को भी जानता नहीं, अज्ञानी है, इसीलिए अभिमान है, अहंकार है। लक्ष्मण को बुलाया, कहा भैया भरत ही हो न राजमत, विधि हरि हर पद पाए, कबहू की कांची कांजी सिंगरनी, क्षीर सिंधु बिनसाए। हे भैया लक्ष्मण, तुम भरत को जानते नहीं हो, ये तो ईश्वर का अवतार है। ईश्वर से तो कितने ही ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद मिले तो भी राम भरत को राज्य मत कैसे होगा? अनंत कोटि ब्रह्मांड को जो पैदा करता है, नाश करता है अपनी माया से, उसको राज्य मत कैसे होगा? एक पृथ्वी का टुकड़ा पाके अयोध्या का, उसको राज्य का मत हो जाएगा क्या? मट्ठी की खटाई की एक बूंद से
दूध का समुद्र फट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। एक बूंद के समान ये अयोध्या का एक पृथ्वी का टुकड़ा है, जो इस पृथ्वी के समान अनंत कोटि पृथ्वी की उत्पन्न करने वाला इच्छा मात्र से उसको ये राजमद हो जाएगा। कभी नहीं, शांत किया। सज्जनों, ये भरत लाल जी हैं जो अपनी उत्पत्ति स्थिति पालन का संहार का सब काम छोड़ करके सबसे वैराग्यवान होकर के केवल राम ब्रह्म के चरणों को पकड़ा है। ये भक्ति है। ईश्वर अपने ईश्वर पने के अभिमान को सर्व का त्याग करके और राम को पकड़ा है। लक्ष्मण ने भी ऐसा ही किया है, राम को पकड़ा है, सर्व का परित्याग किया है। इसलिए परम वैराग्यवान लक्ष्मण भी है। भाई भरत शत्रुघ्न अपने माता पिता अयोध्या का सुख लक्ष्मण ने भी त्यागा है। राम के सिवाय दूसरी प्यास लक्ष्मण को नहीं है, नहीं है, नहीं है। सज्जनों, ये जितने भी भक्त हैं जो राम के सिवाय दूसरे को नहीं चाहते हैं, ये भक्ति के प्रतीक है। इनमें ज्ञान वैराग्य उत्पन्न हुए बिना रह कैसे सकता है? अवश्य ज्ञान वैराग्य प्राप्त होगा। तो हनुमान जी परम वैराग्यवान है। राम तत्व पूछते हैं, माता ही अपने पति का स्वरूप जानती, भीतर बाहर से छिपा नहीं सकता पति पत्नी के लिए। बाहर रूप और कपड़े उतार कर भीतर का भी रूप, राम कपड़े पहने हैं तो भी सीता जानती है सगुण साकार रूप में कपड़े पहने हैं शरीर धारण, और निर्गुण निराकार रूप को भी कपड़े रहित भी सीता जी जानती है। पत्नी है राम की, जगत की माता है, इसलिए पुत्र को बता सकती है। तो अध्यात्म रामायण का ये प्रथम सर्ग है। शंकर जी पार्वती को बता रहे हैं ये हनुमान जी और राम जी के संवाद से राम के दोनों स्वरूप, कैसे उनका जन्म कर्म है और कैसे वो निर्गुण निराकार भी है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।